एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की लाइफ किसी मिस्ट्री से कम नहीं रही। बात अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की हो या आज तक उनकी मांग में दिखाई देने वाले सिंदूर की, लेकिन कई ऐसे किस्से भी हैं जो आज तक दर्शकों को हैरान करते आए हैं। इन्हीं किस्सों में से एक है साल 1969 में आई फिल्म अनजाना सफर के सेट पर हुई वो घटना जिसे आज फिजिकल असॉल्ट ही कहा जाएगा। हुआ कुछ यूं कि फिल्म के निर्देशक कुलजीत और मेन लीड एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने एक सीन से पहले योजना बनाई कि सीन में रेखा को किस किया जाएगा। हैरानी की बात ये है कि इस सीन के बारे में रेखा को बताया तक नहीं गया। जब शूटिंग शुरू हुई तो रेखा को बिना बताए कैमरे के आगे खड़ा कर दिया गया। डायरेक्टर के एक्शन कहते ही विश्वजीत ने उन्हें बाहों में पकड़ लिया और जबरन किस करने लगे। रेखा इस व्यवहार से हैरान हो गई, जो काफी स्वाभाविक था। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगी। हद तो तब हो गई जब सीन के दौरान डायरेक्टर ने कट तक नहीं कहा और रेखा के साथ 5 मिनट तक जबरन किस चलती रही। एक ओर विश्वजीत उन्हें जबरदस्ती किस कर रहे थे तो दूसरी ओर यूनिट के सदस्य तालियां और सीटियां बजा रहे थे। इस दौरान भले ही रेखा की आंखें बंद हो गई थी, लेकिन उनके आंसू गिरते रहे। रेखा के साथ हुई इस हरकत का उस समय खुलासा हुआ जब साल 2016 में उनकी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी सामने आई। इसमें बताया गया कि उस समय रेखा की उम्र महज 15 साल थी। दूसरी ओर विश्वजीत उनसे 25 साल बड़े थे।